और क्या क्या जी सर्व कर रहे हो, क्या क्या जी बेच रहे हो? सर हमारे पास नान होते हैं सर, वैरायटी अलग अलग नान होते हैं। चूर-चूर नान है? चूर-चूर नान है, पांच छह तरह के नान होते हैं हमारे पास। कौन कौन से भैया? चूर-चूर है, पनीर है, मिक्स है, आलू प्याज है, बटर नान है। अच्छा, बहुत दूर तक वायरल हो चुके हैं, बहुत दूर तक फेमस आपके नान, वो क्यों है, वजह क्या है? पूरा भर रखा है यार चूर-चूर नान से, सारे चूर-चूर नान है भैया। हाँ सर, वो सुबह शाम तक चूर-चूर चलते हैं। अरे वेल, क्या पूरी मौज कर रही है द्वारका वालों की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अमिता व्लॉग्स। दोस्तों भाई आज फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और भाई आज भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि एक मैं शुरुआत करता हूँ छोटी सी शायरी से। तो भाई शायरी ये अर्ज है। तो दोस्तों अर्ज है, मैं निकला था खाने एक पान और भाई मैं आ गया खाने द्वारका सेक्टर में, भाई खाने आ गया राजू के चुड़चुर नान। तो भाई दोस्तों शायरी करिए पहली बार, और अगर शायरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। भाई अच्छी ही बोलना है, गलत मत बोलना, पहली बार ही करिए, ठीक है? चलो मिलते हैं। और भाई राजू के जो चुड़चुर नान है सेक्टर 12 में द्वारका के, बहुत फेमस है भाई अपने आप में। और भाई मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने आज यहाँ पर ट्राई करा, यहाँ पर भाई मन करा कि भैया ट्राई करते हैं राजू के चुड़चुर नान। तो आ जाओ करते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ें और क्या टेस्ट दे रहे हैं राजू के चुड़चुर नान, ठीक है? भाई नान ट्राई करते हैं, यहाँ पे बहुत बोलते हैं, बहुत क्रिस्पी नान मिलते हैं और भाई काजू के साथ सर्व करते हैं, देखते हैं क्या टेस्ट दे रहे हैं, आ जाओ फिर आप। तो दोस्तों भाई ये है राजू के चुड़चुर नान, भाई सेक्टर 12 में पड़ते हैं द्वारका के अंदर। भाई आज हम आ गए थे राजू चुड़चुर नान वाले के पास, तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ और करते हैं, भाई मैम बैठे हैं भाई तो उनसे बात करते हैं। ये देख लो आप, भाई पहले छोटी सी झलक दिखाता हूँ आपको, जो यहाँ पे चुड़चुर नान रेडी होते हैं वो होते हैं इस तंदूर में रेडी, बाकी आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों भैया से मिलते हैं। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। क्या नाम है अभी आपका? बबलू सर। बबलू जी? हाँ जी सर। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप करते हो भैया? हाँ जी सर। अच्छा जी, तो सर कब से राजू चुड़चुर नान भैया? सर ये 1997 से स्टार्ट कर रखा सर, ये 1997 से। हाँ, क्या बात है भाई, बहुत साल हो गया यार। हाँ जी सर, 27 साल हो गए सर। हाँ करीब हो गए सर, है ना? और क्या क्या जी सर्व कर रहे हो भैया, क्या क्या जी बेच रहे हो? सर हमारे पास नान होते हैं सर, वैरायटी अलग अलग नान होते हैं। चुड़चुर नान है? चुड़चुर नान है, पाँच छः तरह के नान होते हैं हमारे पास। कौन कौन से भैया? चूर चूर है, पनीर है, मिक्स है, आलू प्याज है, बटर नान है। अच्छा, बहुत दूर तक वायरल हो चुके हैं, बहुत दूर तक तो फेमस आपके नान, वो क्यों है, वजह क्या है इसी की? सर हमारा चूर फेमस है सर, कस्टमर बता सकते हैं। अच्छा, देखो स्वाद को टेस्ट क्या डाल रहा है सर इसके अंदर यार, वो कस्टमर ही बता सकते हैं सर। अच्छा डाल तो आप ही रहे हो भैया, कस्टमर क्या बताएगा इसमें यार, वो खाने से पता लगता है ना। हाँ ये बात ठीक है, अभी खाने से पता लगता है क्या चीज़ डाल रखी है आपने। चलो और भाई, और टाइमिंग क्या है यहाँ पे? ये सर सुबह 10 से 10। अच्छा, डेली 7, सातों दिन ओपन। और जोमेटो से भी करते हो? स्विगी जोमेटो से भी है, दोनों पे हैं। और अपनी भी डिलीवरी करते हो भैया? सर अपनी भी डिलीवरी करते हो? नहीं सर, स्विगी ओनली जोमेटो। स्विगी और जोमेटो में मिलते हो हैं? अच्छा, और एड्रेस की बात करें तो एड्रेस क्या है यहाँ का? ये सेक्टर 12 कैन चौक द्वारका। अच्छा जी, द्वारका के अंदर है। और अगर भाई यहाँ पे जो स्पेशल अगर रिकमेंडेड आइटम क्या, अगर आप ट्राई करो भाई कि सबको बोलोगे भाई ये चीज़ खा के ट्राई करो आप? हमारे फेमस चुड़चुर नान है। चुड़चुर नान ही फेमस है, वो मिक्स वाला होता है वो? वरना सारे बढ़िया है, चुड़चुर है, पनीर है, मिक्स है, आलू प्याज है। अच्छा क्या बात है। तो दोस्तों भैया की मेकिंग देखते हैं क्या बना रहे हैं भैया। ये क्या चीज़ कर रहे हो रेडी? ये थाली रेडी हो रही सर अभी। अच्छा थाली रेडी हो रही, क्या क्या चीज़ जाती है इसके अंदर? ये शाही पनीर है, दाल मखनी विद रायता, सलाद, दो नान। अच्छा जी, दो नान होते हैं। प्राइस क्या भैया उसका? 200 कर दिया सर, 200 रुपये का रेट। और हाफ का रेट? हाफ 150 सर। 150, क्या बात है। चलो आज ट्राई करते हैं भैया आपका टेस्ट यार। तो दोस्तों आज भाई दिखाने वाले हैं आपको भाई राजू के चुड़चुर नान। भैया क्या लगा रहे हो? ये सर चुड़चुर नान है। चुड़चुर नान, क्या नाम है बस आपका? राहुल सर। राहुल जी, तो भाई क्या बात है, पूरा भर रखा है यार चुड़चुर नान से, सारे चुड़चुर नान है भैया। हाँ सर, वो सुबह शाम तक चूर-चूर चलते हैं। अरे वेल, क्या पूरी मौज कर रही है द्वारका वालों की। चुड़चुर नान खिला रहे हो, बढ़िया है। अरे बहुत धीमी आँच में बना दो क्या? हैं सर, धीमी आँच में इसलिए बना था सर, करारे हो जाते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं। अच्छा, इसलिए यही राज है मेन, तो क्रिस्पी होने का कारण है। हाँ, बाकी ऐसे अपन तेज आँच में लगाते हो सर, वो फिर नान बेकार हो जाता है, अंदर से कच्चा रह जाएगा ना। अच्छा रहता है। हाँ ये बात ठीक है आपकी। वो सर कोई और ये क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो भैया? ये सर घी है, देसी घी। देसी घी यूज़ करते हो पूरी शॉप पे? वहाँ पे अमूल का बटर लगता है, बाकी घी। अच्छा, मतलब अमृतसरी जो नान बना रहे हो ये भाई देसी घी में प्रिपेयर होता है? ये अंदर क्या हम इसको लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। अच्छा जी, बाकी वहाँ पे अमूल बटर लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो यार चलो ये ट्राई कराओ यार, हमें कौन सा खिलाओ यार? यार वो खिलाओ आज, कोई नहीं चुड़चुड़ी खाओ आप। हाँ चुड़चुड़ी खिलाओ भैया, एक हाफ प्लेट लगा दो भैया मेरी बस, ठीक है? तो वही ट्राई करेंगे आज आपका। ठीक। तो भाई ये देख लो भाई दोस्तों, आ गया चुड़चुड़ नान भाई, बाहर आ चुके हैं, पूरे क्रिस्पी लग रहे हैं, ये देख लो आप।
और भैया क्या आवाज़ है, पूरे करारे नान है ये तो हैं। हाँ जी, क्या आवाज़ है भाई साहब। 200 रुपये का रेट है भैया, है ना? हाँ जी भाई, 200 रुपये का रेट है दोस्तों। फुल प्लेट का हाफ प्लेट है 150 रुपये की। तो भैया के पास आगे ट्राई कर सकते हो राडू के चुरचुर नान। भाई बहुत फेमस ब्रांड है, 1997 से भैया यूज़ कर रहे हैं भैया, अपना नाम और भाई क्वालिटी दे जा रहे हैं लोगों को, रिझाए जा रहे हैं अपने चुरचुर नान से। ये देख लो भैया पूरा, भैया बहुत धीमी आँच, अगर हाथ भी रखोगे तो है भाई, आँच तो है भाई बढ़िया है ना। नहीं मगर सब इसके लायक ही है, इसके लायक ही रखते हैं। हमें तो लगती है भाई गलत है। आप पता नहीं कैसे खड़े होते हो भाई यहाँ पर। वो तो सर हम लगाते हैं, हम अपने हिसाब से रखते हैं। हाँ ये बात ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई दोस्तों चुरचुर नान देख लो भाई, पूरे क्रिस्प कर रखे हैं, क्या बात है भाई। तो दोस्तों देसी घी की प्रिपरेशन है भैया की, और अब लगाएंगे हमारा प्लेटर करेंगे इसको यार। जैसे काफ़ी कस्टमर बोलते हैं भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो हम वहाँ पे फिर अमूल बटर अलग से लगाते हो। अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो यार मतलब अंदर देसी घी डालते हो इसमें और ऊपर से टॉपिंग करते हो अमूल बटर की, है ना? क्या बात है। ये क्या लगा रहे हो भैया? बटर। अच्छा भाई दोस्तों बटर लगा रहे हैं भैया। ये क्या लगा, पनीर ऊपर से? अरे वेल क्या बात, अरे क्वान्टिटी भी भैया बहुत है यार। काजू ड्राई फ्रूट होते थे। अरे वेल भाई भाई ड्राई फ्रूट भाई डालते हैं भैया साथ में, और ये आ गया ऊपर से अमूल बटर। अमूल का बटर होता है भैया? अमूल। क्या बात है भाई, भाई बहुत ज़्यादा क्वान्टी डालते हो भाई अमूल बटर की भी आप लोग तो यार। भाई दोस्तों ये देख लो, ये पूरा देखो क्रिस्प कर दिया भैया ने। अरे वेल, तो दोस्तों ये हो गया देखो प्लेटर रेडी यार। एक भैया हमारा सिंगल लगाना भैया, क्या बात है भाई साहब। ये देख लो दोस्तों भाई क्रिस्प करने का तरीका देख लो भैया, पूरा ऐसा करते हैं पूरे कड़क कड़क। तो दोस्तों ये देख लो भैया, अभी जो क्रिस्प करने की आवाज़ सुनते हैं, ये देख लो पूरी आवाज़ आ रही है भाई देखो क्रिस्प की, क्या आवाज़ है। तो भाई दोस्तों करते हैं टेस्ट जरा भैया राजू के चुरचुर नान, फिर बताते हैं आपको रिव्यू। तो दोस्तों देख लो भाई भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, ये भी देख लो, ये भी देख लो, और अंदर भी एक घंटे बाद भीड़ लगी है दोस्तों। अच्छा भैया एक घंटे में भीड़ लगी है, द्वारका बेस्ट, क्या बात। तो दोस्तों हमारी आगे थाली में देख लो भैया ने साथ में दिया भाई, ये देखते हैं भैया क्या है। ये है भैया शाही पनीर, और साथ में भाई बहुत हैवी भाई पनीर भी डाल के दिया भैया ने, और भाई ये है साथ में दाल मखनी भाई, जिसके वो बटर देख लो भाई अमूल बटर तैर रहा है, ये देख लो आप भाई, है ना? और भाई ऊपर से पनीर की टॉपिंग दाल मखनी के अंदर भी, और ये है साथ में भाई रायता, और ये तो भाई चुकंदर भी है इसके अंदर वेजिटेबल्स के साथ हैं, ये देख लो भाई मस्त लग रहा है खाने में। और ये है मिक्स वेज साथ में, और ये है सैलेड, ठीक है। और ये है भाई जिसके लिए स्पेशल आई एम स्टफिंग, देख लो बटर देख लो पनीर देख लो, पूरा तैर रहा है, पूरा क्रिस्प कर रखा है, पूरा लच्छेदार सा बना रखा है। चुरचुर नान ऐसे नहीं बोलते भाई इसको, मज़ा आ रहा देखने में। अब करते हैं ट्राई। तो दोस्तों अब आगे भाई टेस्टिंग की बारी है भाई, ये है भाई करते हैं टेस्ट, और भाई साथ में जो लग रहा ना ये भाई पूरा चुरचुर नान पूरा क्रिस्प कर रखा है। सबसे पहले लेते हैं साथ में दाल मखनी, टेस्ट करते हैं, और भाई पूरा जो बटर है ना पूरा तैर रहा है दाल मखनी के ऊपर भी, क्या बात है। और साथ में लगाते हैं पूरी बाइट बनाते हैं प्रॉपर प्याज और सैलेड के साथ, ये देख लो आप, ये होगी हमारी रेडी भाई पूरी बाइट, करते हैं टेस्ट आ जाओ। वाओ भाई पूरा क्रिस्पी है भाई, मज़ा आ गया। चुरचुर नान भाई मैंने पहली बार ट्राई किया है, और भाई अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट बोलते हैं ना वो है भाई वाकई, ठीक है। और अब लगाते हैं पनीर की जो क्वांटिटी डाल रही है ना, क्वांटिटी है इसके अंदर भाई बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, ये देख लो आप, क्या बात है भाई साहब। फिर से बाइट बनाते हैं प्रॉपर, लगाते हैं अनियन, और फिर करते हैं टेस्ट आ जाओ फिर। वाओ रायता देख लो, देखने में बड़ा मस्त लग रहा है, करते हैं टेस्ट आ जाओ। अरे वेल भाई हल्का सा स्वीट भाई, स्वीट पता नहीं क्या डाल रहे हैं, जो फ्रूट्स है ना उसका स्वीट्स आ रहा भाई, उसका स्वीट पन आ रहा है, अल्टीमेट टेस्ट है, आप भी आकर ट्राई कर सकते हो। और मज़े वाला टेस्ट है भाई, मज़ा बांध दिया। 150 रुपये का हाफ है, फुल 200 रुपये का, ट्राई करते हैं। रायता भाई मज़ा आ गया भाई साहब, पूरा क्रिस्प कुलचा जो है
अब साथ में लगाते हैं भाई जो भैया ने दिए ना काजू किशमिश डाल के पनीर डाल के, फिर लेते हैं साथ में दाल मखनी। आ जाओ अब बनाते हैं पूरी बाय ड्राई फ्रूट के साथ वाली। मज़ा आया। तो दोस्तों अगर द्वारका में रहने वाले हो ना तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर रहता है आसपास या दूर से आ रहे हो या इस रोड से निकल रहे हो, मस्त ट्राई बनते हैं दाल चूके चुड़चुड़ नान, ठीक है। और फिनिश करते हैं, अगर आपने ट्राई किए हैं तो, नहीं किए तो मस्त ट्राई बनते हैं। हमें ऐसे राजू के चुड़चुड़ नान है सेक्टर 12 द्वारका के अंदर दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ऑसम टेस्ट लेना ना, मस्त ट्राई, एक बार ज़रूर ट्राई बनते हैं। अल्टीमेट है भाई, जो क्वांटिटी है ना, मतलब सिंगल हाफ प्लेट भी लोगे ना सिंगल बंदा फुल हो जाएगा बिल्कुल मस्त, ऐसा टेस्ट है भैया का। और जो आनंद में आप खा लोगे इसको, मज़ा आने वाला आपको, ट्राई करना। और भाई एक और चीज़ शायरी दी थी छोटी सी, आपको अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, अच्छी ना लगे तो भी नेगेटिव कमेंट मत करना भाई, मैंने कुछ गलत कहा है, ठीक है। अच्छा ही कमेंट करना भाई, ठीक है। और वीडियो को प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।